पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशु पलक मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद्र रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। और दो या तीन दिन पहले वीडियो बनाई थी भाई, इस गांव में अशोक भाई की एक बहुत बढ़िया जोटी दिखाई थी। तो आज एक बार फिर पहुंच गए गांव पुट्ठी जिला इसार में सिल्लू डॉक्टर भाई के पास में। आज की वीडियो में दिखाऊंगे भाई, डॉक्टर टिक्के भी दे रहे हैं और सेल परचेज का काम भी कर रहे हैं। तो बार बार स्वागत है पशु पलक मंच यूट्यूब चैनल पर सिल्लू भाई का। सिल्लू भाई राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शकान राम राम भाई। और ठीक हो भाई साहब? भाई नाम तो यही सा है, देखे सिल्लू तो कबड्डी में भी डंका बज है इस नाम का, और बज है सिल्लू मदीना होया, सिल्लू ड्योला होया, और सिल्लू भोगपुर वाला तो चल रहा है। और भाई सिल्लू पुट्ठी वाला जो डॉक्टर है भाई, यो अपना पशुपालन में नाम कमा रहा। कई साल हो गए काम करते? 12-13 साल। उम्र कितनी होगी आपकी? 28 साल। फिर कम उम्र में कर दिया था शुरुआत है? छोटी उम्र में। अच्छा, तो फिर भाई वे जो मैसा में, चलो पहले तो बीमारी पर काम करे है अपने पशुओं की, और भाई अच्छे सीमन दरे हैं। इफ सेल परचेज का विचार है? हाँ, सेल परचेज का। ले बेच का काम करोगे? गाड़ी भरोगे कि लोकल में सेल करोगे? लोकल में सेल करा भाई। लोकल में कितना टाइम हो गया काम करते? हो गया 10-12 साल। तो सेल परचेज करते भी? वीडियो पहली है मेरे ख्याल, पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो तो एक बात कहना चाहूंगा सिल्लू भाई साहब, भाई एक तो रेट जो बताओ ना वे बेचने वाले बताइए। हां फिक्स रेट बताऊं भाई। और भाई दूध की और ब्यात की जनवन जानकारी दियो। जनवन है कि नहीं? ना ठीक है भाई। भाई का तजुर्बा बहुत बड़ा है, न्यू मान लो कम उम्र में लग गया था, 12 साल का तजुर्बा, 28 साल की उम्र में भाई ने तजुर्बा ले लिया है। रेट पूछ लेंगे भाई पे, उससे पता चल जाए भाई किस तरीके का काम है, कितना मुनाफा ले है, अगण रुपये ऊपर दर है, वो रेटा तो अंदाजा लग जाएगा। हाँ। रेट बेचने वाले बताइयो भाई साहब। बेचने के रेट बताओ भाई। एक नंबर तो शुरू कर दो भाई। तो ले भाई पहले नंबर पे है एक, भाई इसकी बता दो डिटेल। न्यू ना घुमाओ, तीसरे ब्याज के लेनी है। तीसरे ब्याज की जोटी है। अच्छा भाई, दूसरे दे रही 15-16 किलो दूध है। दूसरा 15-16 किलो दूध दे रही है। आज की डिटेल है इसकी। आज 10 दिन में ब्याह होगी। 10-11 दिन रह रही है ब्याह। दूसरे ब्यात में 15 किलो या 16 किलो की उम्मीद इसने काट रखा है इतना। हाँ। भाई बढ़िया, कद काठी की भी अच्छी है, लेंथ भी बढ़िया है, खुला सींग है। तीसरी बार बच्चा देगी या? तीसरी बार बच्चा देगी। और भाई आज के ऑर्डर के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से आप अंदाजा ला लियो 10-11 दिन और लेगी, और आखिरी 10 दिन में, और भाई आखिरी 2 महीने में यो फर्क से, इतना ही तो आखिरी 10 दिन में बदेगी, इतनी 2 महीने में तैयार हो है नहीं? सही। तो भाई के कुछ मोल करोगे इसका? 1.35 की बेचनी है। लेंगे भाई साहब, घुमा के लेंगे। इसने दिखाइए भाई तस्वीर, देखिए भाई हाइट वीट की तो अच्छी है, और भाई लेवटा भी सुथरा है। जब 10 दिन और भाई साहब बताओ तो फिर टिक्का टक्का बेरा कौन सा दे रखा है? ना ले आए हैं जी अपन तो। अच्छा, खरीद के ले आए? खरीद के ले आए हैं। तो 1,35,000 रुपये मोल हैगा? हाँ, मोल कोने देनी है? देनी है। फिक्स रेट है? फिक्स रेट है, जो भी रेट बताओगे फिक्स है। हाँ, सारे फिक्स रेट है। इनमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई छोड़ नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। हाँ, वो मान सम्मान थोड़ा होना तो ओके हो। चलो जी, थोड़ा घना भाई ने मान सम्मान करेंगे। 1,35,000 भाई ने इसका रेट बताया है, कद काठी ने देखे पशु का, और भाई तीसरा ब्याह था उस हिसाब से तकरीबन जायज है 15-16, नहीं तो 16-17 की उम्मीद कर सके है। 16 दे दो, 16+ की। 20 किलो तो मुंह तो सब कटवाऊं भाई, 20 देगी 22 देगी, पर 16 किलो बाल्टी में आ जाए तो वो बहुत बढ़िया है। दूसरा नंबर लिए भाई। के थारी भैंस भी नए दूध को नहीं होंगी, या बार बार फिर जा है, या फिर बांझ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत को नहीं। तो अपने पशुआ ने रोजाना राइट मीन 50 ग्राम खुआओ, इन समस्याओं तक फिर छुटकारा पाओ, और अपने पशु तक हर साल एक बच्चा पाओ। और भी कि मैं पूछना हो था हमने, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लियो 7890042000। इसकी क्या डिटेल है भाई? सिल्लू यह भी तीसरे ब्याह होगी भाई। तीसरे ब्याह होगी, अभी क्या बन है? क्या कितने रह गए इसके? इसका 1 हफ्ता रह रहा है। 1 हफ्ता इसका बाकी है। देख मैं ब्याह तो मैं को फर्क तो नहीं है बात में, वो 5-4 दिन ऊपर नीचे तो हो सका है। ऊपर नीचे नहीं, ब्याह तो मैं ऊपर हो सके है मगा। आज अगर 5 दिन ऊपर भी ले ले, चौथा भी हो सके है। मैं न्यू कहना चाह रहा हूं, चौथा भी हो सका है। ब्याह तो बड़ा है हमारा इसका भाई, क्योंकि तीसरे में तो मन्नत तो नहीं लगी, बाकी आप खरीद के ले आए हो भाई, और कोई आप तक खरीद कर लेकर जाएगा, वो सब के अपने विचार हैं। तो तीसरा ब्याह बताओ, चौथा पे न्यू बताओ इसका भाई। चौथा लगा ले,
ब्याज को ऐसा ला लो भाई, खरीद के लिए बता देंगे है कि नहीं। कई दिन रह गए इसके? इसके अब तक रह गया एक हफ्ता रह गया है। के मोल करोगे इसका? 1 लाख है। 1 लाख रुपया मोल? और वह 90-95 कोशिका थे आगे लिए गए वो आगे है। 1 लाख रुपया भाई इसका मोल कर रहा है भाई ने, अगे 1 लाख में सेल करें। ये हफ्ता इसका बयान का बाकी रह रहा है। कितने की दूध की रिपोर्ट बताई इसकी? इसकी 13-14 किलो की बताई है। 13-14 की आगे ले आओ जी भाई। इसकी बताइयो क्या डिटेल है? या दूसरे भी आओगी भाई? जो या भी भाई दूसरे, इसमें लग भी है कच्चापन थोड़ा सा, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा लग गया इसलिए बोल दिया। इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? इसकी खरकी की है 13 किलो की रिपोर्ट है। खरकी की 13 किलो की रिपोर्ट है। ले देख रहे तस्वीर दाँत है कई बनी को भाई, दांत नहीं दिखाती, दांत नहीं दिखाती, ना दाप पे दिखा दिए हैं दांत। तो भाई ईब कितना टाइम है इसके? 15 दिन हो गए ब्याण के। 15 दिन इसके रह गए भाई ब्याण के। तो अब तक जो 3 दिखाई हैं तीनों गैबण है भाई। हाँ गैबण है भाई। इसका क्या मोल करोगे? इसका 1.20 देनी देनी होगी, फिक्स रेट है। फिक्स रेट है वो आज का भी और 10-15 दिन पाछे का भी। 10 दिन 3 का है? 10 दिन 3 का फिक्स। 10 दिन 3 का मान लो, चाहे 92 का मान लो। हाँ 1,20,000 रुपये इसका मूल है भाई। 4 नंबर ले गया भाई साहब खोल के। 4 नंबर पे है भैया कौन सा ब्याह थेगा? इसका 3रा ब्याह था। 3रा ब्याह हो गया अभी। कितना टाइम रह रहे हैं? इसके भी 16-17 दिन रह रहे हैं। 16-17 दिन बाकी हैं। जुकर अपना सेल परचेज का काम है। हाँ सेल परचेज कोई तो नुका आ रहा भाई, हम तैयार दूध पे सेल कर रहे हैं, कोई नुका हम ताजी ब्याह सेल कर रहे हैं। जिस तरह अपनी ईब तो 4 दिखाई है, 4 हो गया बड़ है भाई, क्या बड़ है अपता किसी में 10 दिन किसी में 15 दिन अपता। तो ताजी ब्याह क्या बड़ क्या बड़ता जी ब्याह कौन सी टाइम पे भेज जिस आ जा भाई उसी बेच दे। तो इसका दूध तैयार कौन कर दे? के मोल भाई का 1.5 मोल है इसका। 1,05,000 की। 3रा ब्याह है। 3रा ब्याह होगी भाई। कम तक 15 दिन बाकी है। 15-16 दिन 15-16 दिन इसके बाकी है। या दूसरे ब्याह है जोटी? अच्छा जी, कै के दिन की ब्याह होगी? यक्षिस तो खाली हुई सुबह। बच्चा की थेगा? बच्चा यो रहा, दिखाइए भाई जसबीर, सूंड दिखा दे। यो बच्चा ही का सूंड भी दिखा दिए। तड़के खींच तो खाली हुई है। या दूसरा ब्याह है? दूसरा ब्याह है। इसकी क्या डिटेल है भाई? कै रुपया में बेचोगे ने? या 95,000 की। फर्स्ट टाइमर कितना काट रही दूध या खर के? 12 किलो 12 किलो। हाँ 95,000 रुपये मोल है भाई। और ताजी ब्याह है, कटड़ा कटिया है देखना पड़ेगा वो, कटिया नीचे नीचे कटिया है भाई इसकी। ये कटिया वो चलानिया ने कटड़ा है अगली नहीं है भाई। तो सिल्लू भाई अपने पास कम तक कम रेट की कितने की मिल जाए है? 80,000 की। और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा ज्यादा 2,03,000। अच्छा ये कितने एक पशु रहे फार्म पे अपने हमेशा? 10-12 पशु रहे। 10-12 पशु हमेशा खड़े मिलेंगे भाई। कोई भी भाई देखना चाहो खरीदना चाहो तो इसकी बताइयो डिटेल। यह 3रा ब्याह की है, यह सुबह खींचता खाली हुई है। और यो बच्चा ही का कटिया कटड़ा है? कटड़ा है। देखिए भाई के है कटड़ा है। तो और भाई इसके नीचे कटड़ा है। इसकी कितने एक दूध की उम्मीद है? यह 15-16 किलो दूध दे देगी। 15-16 किलो फिर मोल के करोगे इसका? इसका 1,12,000 1,12,000 रुपये इसका रेट है भाई। और भाई इसके नीचे कटड़ा है, ताजी ब्याही है। सुबह खींच तक खाली हुई दोनों। कम तक कम 15-16 किलो कम ना 15-16 15-16 बहुत बढ़िया है, नरम चुवाई है जमा नरम चुवाई है। तो भाई 1,12,000 रुपये में इसने सेल करेंगे जो। क्या डिटेल है? या चौथा ब्याह की है भाई। चौथे ब्याह की है भाई? हाँ पांचवें की भी उसका है। ब्याह को ऐसा ला लियो? हाँ खरीद के ले आए। चलो डिटेल बताओ जी इसकी। इसकी 12-13 किलो डिटेल है। अच्छा 12-13 किलो की डिटेल है। मोल के है भाई का? मोल है इसका 82,000 है। 82,000 रुपये? हाँ देनी है 82,000 में। इसमें मान सम्मान भी है क्या? मैं ना इसमें नहीं है कोई मान सम्मान नहीं ना। तो भाई इसका भाई ने कहा ब्याज को ऐसा ला लो और इसने 82,000 रुपये सेल करनी है। अच्छा जी अगली ले आओ जी भाई। ये सिल्लो ग्राहक आ रहे हैं गांव के मानस हैं। ये गांव के भी कुछ ग्राहक भी हैं। अच्छा कुछ ग्राहक भी हैं भाई, कुछ मानस गांव के भी हैं। तो कहने का मतलब पशुपालन में पूरा रुझान है गांव में? पूरा रुझान है गांव का तो, क्योंकि आपने तो भाई घर घर टिक्के धरे हैं जो पशु रखा। अच्छे आपने तो पता शौकीन बहुत है पशुओं के, यहाँ पर पूरे शौकीन है। तो इसकी क्या डिटेल है भाई? 3रा ब्याह की जोटी है भाई।
तीसरे बात की भाई सिंह तो बढ़िया थन गणा लंबा कर रही है के बात है थन लंबा दो दाली जोटी है अच्छा हाँ के डिटेल है गया जे या 20 प्लस की है भाई 20 प्लस की है हाँ 20 प्लस है पहला भी काट रखे आगे हाँ पहले ब्यात काट रहे 20 प्लस है दूसरे ब्यात में हाँ दूसरे ब्यात तीसरे ब्यात होगी थन थोड़ा लंबा दो दुवाली जोटी है अच्छा कितना टाइम रह रहे हैं इसके 15 दिन बाकी है भाई 15 दिन बाकी है भाई इसके देखो जो पछले थन है ये थना पता हुक्म है अगले जो थन है ना बढ़िया तो गैप्स अगले के बीच में पछले थोड़े और बलमो हो गए अगर सेम यो आकार होता ना तो पिड्डा अगले दिखे बढ़िया लग गया ड्रेस फिर तो मोल्ले और नहीं होता फिर नु कहा भाई मोल्ले और करूंगा पर ई भी सुना जमा जाए रुपया हम दे देंगे क्योंकि ऑफ कैमरा भाई जब रेट बुझे मैंने यही बात कही थी कहते भाई कोई फार्म पाओ जब रेट अलग पाओ और वीडियो में अलग पाओ तो इसका क्या मोल है भाई इसके 1.25 लाख है भाई 1.25 लाख रुपये 1,25,000 रुपये बेचनी है इसका थन थोड़ा लंबा है बस अच्छा जी भाई सिंगा की सुथरी यार भाई दूध वाली दे भाई कई भाई कह रहा है कि भाई इसमें इतना दूध है कि नहीं है मारा तो काम है ही भाई भाई द्वारा वीडियो बना दी जो डिटेल है आपने बताई वो वीडियो में बता दी किसी ने अपनी पूरी संतुष्टि करनी है दाग है दो तीन टाइम का दूध देखो और भाई क्या बनने लेकर जाओ ताकि लेके जबान पे लेकर जाओ या फिर अपनी जिम्मेदारी पे लेकर जाओ इसके अभी 12-13 दिन बाकी है मेरे ख्याल ताजी भाई दो है तीन है ताजी भाई तीन है बस एक गाँव है एक गाँव है बाकी तकरीबन क्या बने हैं भाई तो कौन सा ब्यात बताएगा दूसरा ब्यात बताओ भाई इसका फिर के कुछ मोल करोगे भाई इसका के कुछ समस्या इन्फेक्शन बन रहे इन्फेक्शन हो गया था यो दिखाइए भाई तस्वीर कल ना कोई भाई न्यू का हमने तो पसंद आ गई थी उड़े जाके देखे इन्फेक्शन है दिख गई तो इसका के मोल है भाई इसका 1.10 है भाई एक लाख दस हजार रुपया मशीन सेल करेंगे भाई अगली ले भाई इस मैच की के डिटेल है भाई या भाई चौथा पांचवा ब्यात की भैंस है चौथे पांचवा ब्यात की है हाँ। अच्छा के कुछ कंडीशन है भाई आज या 3 दिन की ब्याई होगी भाई 3 दिन की ब्याई होगी या तीसरी आएगी मेरे ख्याल जो ताजी ब्याई हाँ। है तो पहले दिखा दी हाँ। ना तकरीबन क्या बनाई है भाई तकरीबन क्या बना कटड़ा कटिया इसके नीचे कटड़ी कितने दूध की है या दे देगी 12-13 किलो दूध है 12-13 किलो दूध की भाई ने कहा इस तो उम्मीद रखे है 12-13 किलो काट देगी मोल के हैगा भाई इसका 95,000 95,000 रुपये हाँ 95,000 रुपये मोल है भाई का एक गांव और बताओ था लिया उसने भी भाई गांव और लिया ले भाई एक या गाय और है के कुछ डिटेल है भाई ताजी ब्याई है ताजी ब्याई है अच्छा भाई कौन सा ब्याह था या तीसरे चौथे ब्याह की है तीसरे चौथे ब्याह की है कितना दूध से भाई फिलहाल खीस में है अच्छा रात की ब्याई है भाई हाँ। और तीसरा चौथा ब्याह तो बताओ भाई हाँ। इन्हें क्या रुपया में सेल करा भाई ये 75,000 में 75,000 रुपया में हाँ। चलो भाई तो गांव देखो पूरी अच्छी लंबी ठंडी है दूध दात तो भाई आगे की बात से कितना दूध काट देगी और 75,000 रुपया मोल करा भाई इसने घुमाइए सोनू नंबर डियर को 75,000 रुपया में इसने सेल कर देंगे ये पशु दिखा दिए यार तकरीबन भाई के पास में ज्यादा 51 पशु हैं रेट सारे फिक्स बताइए सारे रेट फिक्स है भाई फोन नंबर क्या है भाई जी अपना 999 है 266 4500 999-266-4500 हाँ या पाछे पूरा 4500 मान लो हाँ 4500 यह फोन नंबर है भाई का जिस किसी भाई ने भाई पशु पसंद आए हो भाई के रेट पसंद आए हो तो इस नंबर पर कॉल कर लियो और कमेंट में भाई लगातार ऐसे अपनी राय देते रहे और भाई किसने रेट अच्छे लगे पशु अच्छे लगे रेट ज्यादा लगे या रिजनेबल लगे हर तरह की अपनी राय जरूर दिया करो राम राम सारे ने राम राम कर दो राम राम सारे दर्शकों ने।